तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक नए अपडेट के बारे में बता रहा हूँ, जो कि है प्ले स्टोर के अंदर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आपको प्ले स्टोर के अंदर एक मेल आया होगा, एक जिस मेल आईडी से आपने प्ले स्टोर पर चलाते हैं उस पर एक मेल आया होगा पर्सनलाइजेशन करके। तो गूगल प्ले स्टोर में एक नया फीचर एड ऑन किया गया है पर्सनलाइज करके। तो इस फीचर का मतलब क्या है और इस फीचर में क्या होता है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के कमाल के एक अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताओ, प्ले स्टोर की तरफ से आप सब लोगों को एक मेल आया था गूगल प्ले का। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ऑप्शन टू मैनेज पर्सनलाइजेशन ऑन गूगल प्ले। तो ये मेल सबको ही आया। अब ये क्या फीचर है, कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जाना अपने मोबाइल के यहाँ पर प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपने ऑप्शन पर, प्रोफाइल पर, एंड देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन इन प्ले। ये आपको मिल रहा है पर्सनलाइजेशन इन प्ले। तो ये काम क्या करता है, एक तरीके से ये आपने जो जो एक्टिविटी अपने गूगल प्ले स्टोर में कर रखी है ना, तो उसको यहाँ पर ये बता रहा है। पर्सनल मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्ले मतलब प्ले स्टोर के अंदर, वो बता रहा है यहाँ पर। चूज वेदर प्ले कैन यूज डाटा इन योर अकाउंट टू गिव योर मोर पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस। मतलब आपका जो डेटा है वो कहाँ यूज़ करे, कितना यूज़ करे, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्ले प्ले पर्सनलाइजेशन एंड हिस्ट्री, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। आपने वेब कब कब किया, कौन कौन सी ऐप यूज़ करी, कितना डेटा डिलीट करा, कितनी बार आपने क्रोम यूज़ करा, सेव एक्टिविटी, इंक्लूड वॉइस वीडियो ऑडियो रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डाउनलोड योर डेटा, मैनेज अदर एक्टिविटी एंड योर अकाउंट करके। आप चाहें तो उसको यहाँ पर डिलीट करना है तो डिलीट के भी ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हैं, ऑटो डिलीट 18 मंथ्स, या फिर आप यहाँ पर इमीडिएटली करना हो तो इमीडिएटली का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा और आप डायरेक्टली वहाँ पर उसको डिलीट कर पाएंगे। मोर पे जाएंगे तो मे प्ले पर्सनलाइजेशन पे ऑप्शन में वापस आ जाएगा, योर डिवाइस ये आ जाएगा, उसके नीचे बैक आएंगे यहाँ पर मिलेगा आपको अदर प्ले पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। अदर क्या है, आपके योर डिवाइस डिटेल्स, आपकी डिवाइस डिटेल ली हुई है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी डिवाइस की डिटेल ले, तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हैं कि वो आपकी डिवाइस की डिटेल ना ले। योर प्ले कंटेंट, तो यहाँ पर आपने कौन कौन से मोबाइल में गेम खेल रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा, और कौन कौन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आप इनको हटा सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे गूगल ये मेरा ले रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एड टेप्स, और ये इतनी सारी ऐप्स जो ना मैंने यूज़ करी थी सब मेरे उसको एक्सेस कर रहे हैं। आप नहीं चाहते जिन जिन ऐप्स को, आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक करो और सारी ऐप वहाँ पर आपकी डेटा एक्सेस करना बंद कर देगी या डिवाइस एक्सेस करना बंद कर देगी। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है अपने आप को पर्सनलाइजेशन करने के लिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए वाले फीचर को रोल आउट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे डाटा सेव बाय प्ले, प्ले स्टोर के थ्रू आपके कौन कौन सा डेटा सेव हुआ है, वापस वहाँ जाएंगे आप नीचे तो सारी डिटेल बता देगा। सेविंग हिस्ट्री में जाएंगे तो सारी हिस्ट्री वापस वही की वही वहाँ पर बता रहा है जो मैंने आपको बताई थी। मैनेज ऑल पे करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और आप यहाँ पर डिलीट, ऑटो डिलीट और ये सब चीज़ों का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ सर्च मारा था तो वो दिख रहा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी वो आ रही है, मतलब ये सारी चीज़ें वो आपको खुद ही यहाँ पर बता देगा कि आपने कब कब क्या क्या किया, सारी डिटेल आपको यहाँ पर हिस्ट्री के रूप में बता दे रहा है। और भी यहाँ पर जाएंगे तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद रिलेटेड गूगल सेटिंग्स, तो आपकी मेड एड सेंटर के अंदर कौन को किस तरीके के आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी डिटेल डली हुई है और इस चीज़ से रिलेटेड वो आपको एडवर्टाइजमेंट बताता रहेगा, जैसे कि आपका आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी लैंग्वेजेस, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपका घर का एड्रेस, एजुकेशन हिस्ट्री, इन सब चीज़ रिलेटेड आपकी डली हुई है और उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट बताता रहेगा। तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कहाँ का ये फीचर, कहाँ का आपकी डिटेल को वो एक्सेस करेगा, यूट्यूब पे, वेब पे और अदर लोकेशन पे। अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, आपके एज के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आती है तो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज होती है, आप उसको अनटिक करके हटा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, मेन मकसद यही है, और साथ में लास्ट में आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दे दिया है। इसका ऐप का मतलब इस फीचर का काम ये है कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल आपको दिखा देगा और बाद में आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कहाँ डिटेल शो हो, कहाँ डिटेल शो ना हो और कौन कौन आपकी डिटेल एक्सेस कर रहा है, सारी डिटेल आपको वो बता रहा है। तो यही नया अपडेट था गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।